Assalamu alaikum. I'm Dr. Mujahid Farooq, your sex therapist at Men's Care Clinics. आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है swollen और painful testicles. अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, टेस्टिस में swelling महसूस हो रही है या भारीपन महसूस हो रहा है या दर्द महसूस हो रहा है. तो आज हम इस मसले पे बात करेंगे. अब ये तीन कंडीशंस जो मैंने अभी आपको बताई हैं, इनमें क्या होता है कि असल में जो टेस्टिस होते हैं सूजन उसमें नहीं आती, उसके ऊपर का जो एरिया होता है जो एपिडिडिमिस कहलाता है वो, या उसके ऊपर की जो आपकी कॉर्ड होती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है, उसके अंदर जो कुछ चीज़ें होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती होती है. एक कंडीशन ये हो सकती है. फिर टेस्टिकल में कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ हो सकती है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ या लंप उसमें बनना शुरू हो तो वो हो सकता है, और पेन हो सकता है. तो ये दो तीन चार चीज़ें होती हैं, ये महसूस हो सकती हैं. समटाइम्स आप खुद हाथ लगाते हैं आपको महसूस हो रही होती हैं, या ये हाथ ना लगाएं तो पता नहीं लगता, वैसे ही पेन महसूस हो रहा है किसी चीज़ का. तो डिफरेंट कंडीशंस हैं, मिक्स्ड कंडीशन है. आज हम इनकी डिटेल्स में बात करते हैं. अब हम बात करते हैं कि देखें, टेस्टिस में पेन होना, भोजलपन होना, दर्द होना या अनकंफर्टेबल कंडीशन महसूस होना, ये सब कुछ बड़ी ही कॉमन सी चीज़ें हैं. और इनकी वजूहात जो हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम या तो कोई इन्फेक्शन हो गया हुआ होता है, अमूमन जो है वो यूटीआईज जो हैं वो इसके बिगड़ के वो जो है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर चले जाते हैं बैक्टीरियाज, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा फैल सकता है, तो उसकी वजह से पेन हो सकता है. भारीपन महसूस होना, उसकी वजह बनती है जब आपकी जो एपिडिडिमस के ऊपर का जो एरिया होता है उसे पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस कहते हैं, ये जो वेन्स होती हैं जो खून को वापस दिल की तरफ ले जा रही होती हैं, वो उनमें अगर सूजन आ जाए वो, उसको वेरिकोसील कहते हैं हम मेडिकल में. अगर वेरिकोसील हो जाता है तो भारीपन, बोझलपन या इन सम केसेस पेन भी महसूस होना शुरू हो सकती है. दो वजूहात ये हो गई हैं. तीसरी, अगर कोई लंप बन जाता है, कोई गिल्टी बनना शुरू हो जाती है तो वो भी पेन की वजह हो सकती है. हाँ, एक कंडीशन ऐसी होती है जो कि बहुत सडन होती है और एडल्ट्स में बहुत रेयर होती है, बच्चों में ज़्यादा होती है, एडल्ट्स में बहुत रेयर होती है. उसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर टॉर्जन. जो आपका टेस्टिस है वो अगर एक 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 कंडीशन में लटका पड़ा हुआ है तो क्या होता है कि ये ऐसे रोटेट कर जाता है खेलते वक्त, या किसी और वजह से वो अपनी लोकेशन छोड़ के वो रोटेट कर जाता है. जैसे ही वो रोटेट करता है, ये जो उसका स्टेम होता है जो उसको ऊपर मिला रहा होता है, जोड़ रहा होता है, ट्विस्ट होने पर वो टर्न हो जाता है, अपने आप में ही ट्विस्ट हो जाता है, तो ब्लड का फ्लो कम्प्रोमाइज होता है. ये बहुत ही सडन और बहुत ही सीवियर किस्म का पेन होता है. इसको अगर आप टेस्टिस को हाथ लगाने की भी कोशिश करें तो वो इस कदर पेन होता है कि वो आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते. ये हमेशा बहुत सडन होता है और इसको मेडिकल इमरजेंसी कहते हैं. इसके लिए हमें बहुत ही तेज़ी के साथ इसको ऑपरेट करके इसको सीधा करने की, अनट्विस्ट करने की ज़रूरत है, वरना टेस्टिस जो हैं वो नेक्रोटाइज हो जाएंगे, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई ख़त्म होगी और वो डेड टिश्यू हो जाएगा, जो कि बाद में रिप्रोडक्शन का कोई काम नहीं कर पाएगा. अब क्वेश्चन आता है कि स्वॉलन टेस्टिस जो होते हैं उसको डायग्नोज कैसे किया जाता है. जैसा मैंने आपको कहा कि इसकी मुख्तलिफ कॉजेज होती हैं, तो उसी तरह से अगर पेशेंट हमें जैसी हिस्ट्री देता है उसके अकॉर्डिंगली हमने डिसाइड करना होता है कि अब हम इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे. फ़र्ज़ करें एक बच्चा है और कंप्लेन ये आई है कि जी इसको सडनली बहुत शदीद पेन हो गया, तो पहला जो थॉट जाती है वो टेस्टिकुलर टॉर्जन की तरफ जाती है. उसके लिए जो है हमने फ़ौरन से डॉपलर अल्ट्रासाउंड करना है उसका, तो हमें पता लग जाएगा कि ब्लड फ्लो जा रहा है या नहीं जा रहा है. अगर नहीं जा रहा है दैट मीन्स कन्फर्म्ड है कि ये टॉर्जन हुई हुई है, हमें इसको एमरजेंसी में जो है वो ऑपरेट करना होता है. इसी तरह से अगर कोई कह रहा है मैं ऑफिस में बैठा रहता हूँ, मुझे भारीपन बोझलपन महसूस होता है, वॉक करता हूँ तो बोझलपन महसूस होता है, तो
ये जो है वेरिकोसील की एक इंडिकेशन होती है। फिर कोई कंप्लेन करता है कि जी वो मैं कभी पेशाब करते वक्त जब धोता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे जो जो ये थैली होती है उसके अंदर मुझे ऐसे लगता है जैसे कीड़े मकोड़ों का गुच्छा सा इस तरह से, या नूडल्स की तरह का गुच्छा सा महसूस होता है। तो वेरिकोसील की बड़ी टिपिकल सी वो प्रेजेंटेशन है। तो उसके लिए फिर हम दोबारा से फिर सिंपल अल्ट्रासाउंड पे उसको डायग्नोज कर लेते हैं। फिर अगर कोई कंप्लेन करता है कि मुझे एक्स्ट्रा ग्रोथ या कोई लंप महसूस हो रहा है, कोई गिल्टी महसूस हो रही है, तो वो भी अल्ट्रासाउंड पे या सीटी वगैरह पे जो है उसको देखा जा सकता है, डिपेंडिंग कि वो क्या चीज़ है और कैसी है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको जो है वो जो वेरिकोसील होती है वो फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर वो ग्रेड 1 टू ग्रेड 2 है तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप उसको जज कर पाएँ अंटिल आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो। ग्रेड 3 के जो वेरिकोसील होते हैं वो बड़ी इजीली पकड़े जाते हैं। टेस्टिकुलर टॉर्जन अगर होती है तो उसमें आप अगर फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो आप टेस्टिस को थोड़ा सा हाथ लगा के लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, तो जितना लिफ्ट करते हैं उतना दर्द बढ़ता है। इसी तरह से अगर इन्फेक्शन की वजह से पेन हो रहा है तो आप जितना उसको लिफ्ट करते हैं आपको उतना सुकून मिलता है। तो इसीलिए जो है वो फिर इन डिफरेंट हिस्ट्री जो है पेशेंट की वो हमें बता रही होती है कि हम इसको कैसे डायग्नोज करेंगे, हमें उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने की जरूरत है। अब जब हमने डायग्नोज कर लिया है तो साथ हम बात कर लेते हैं कि स्वॉलन टेस्टिस या ये जो स्वेलिंग या पेन आ रही होती है इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, इसमें आखिर अगर हम इसको ना ट्रीट करें तो फिर क्या हो सकता है। देखें अगर तो कोई गिल्टी विल्टी है, अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते खुदा ना खास्ता अगर वो कैंसर होगा तो फिर आपको उसका जो है वो नुकसान ये होगा कि खुदा ना खास्ता वो जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल ना जाए, तो इसको हमेशा इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए। फिर अगर आपको फौरन सडनली बहुत अचानक पेन शुरू हो गया है तो उसको डेफिनेटली आपको फौरन जो है वो चेकअप करना ज़रूरी है। इवन विदिन 30 मिनट्स जो है वो आपको हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए ताकि डॉक्टर उसको इन्वेस्टिगेट करे। अगर ये टॉर्जन है, आपके टेस्टिस ट्विस्ट कर गए हैं अपने ही एक्सिस के अराउंड, तो वो मेडिकल इमरजेंसी है। दैट मीन्स के ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, और अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो आपके जो टेस्टिस हैं इसके डेड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। जितनी जल्दी इसको ट्रीट किया जाए उतना बेटर होता है। अगर नहीं करेंगे ये डेड हो गए तो आप औलाद पैदा करने की सलाहियत जो है उसको खो सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि जो वेरिकोसील है, अब वेरिकोसील जो है उसके लिए फिर ऑपरेट किया जाता है, उसको आप ऑपरेट करके देख सकते हैं। तो इनमें मुख्तलिफ चीज़ों पे अगेन वही के मुख्तलिफ हिस्ट्री, मुख्तलिफ डायग्नोज, और उसके बाद उसकी मुख्तलिफ कॉजेज, और उसके साथ मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको ट्रीट भी किया जा सकता है। अब हम अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि क्या ये जो टेस्टिकुलर स्वेलिंग है क्या ये खुद से डिसअपियर हो सकती है, या ट्रीटमेंट इवन ट्रीटमेंट के बाद इसको हम ठीक कर सकते हैं। यस, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। देखें अगर कोई माइल्ड इन्फेक्शन वगैरह चल रही है यूटीआई की, उसके साथ अगर आपको पेन हो रहा है तो वो फिर आप उसको ट्रीट करेंगे तो ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। फिर अगर बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है तो यूजुअली जो यूटीआई को ट्रीट करते हैं उनमें हम सिंपली अगर कुछ क्रैनबेरी जो है उसके एक्सट्रैक्ट ले लें, सिट्राल का ले लें, या कुछ इस तरह की चीज़ें ले लें, उससे भी माइनर किस्म की यूटीआई जो है वो कवर हो जाती है, एंटीबायोटिक की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, तो ये उससे भी कवर हो जाता है। अगर वेरिकोसील है तो वेरिकोसील की स्वेलिंग ऐसे नहीं जाती, वो आपके साथ रहेगी, इवन वो वर्स होती चली जाएगी, लेकिन वो खुद से जाएगी नहीं अनटिल अनलेस जब जब तक आप उसको ऑपरेट ना कर लें। उसी तरह से अगर कोई गिल्टी बन गई है, अगर कोई फैट टिश्यू की गिल्टी है तो वो वहाँ मौजूद रहेगी, अगर कोई कैंसरस है तो वो बढ़ती चली जाएगी। तो आम तरह की अगर इन्फेक्शन है तो वो खुद तो जा सकती है, लेकिन अदरवाइज बाकी स्वेलिंग वगैरह जो है उसके लिए आपको डेफिनेटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम अगर लास्ट क्वेश्चन पे बात करें कि क्या टेस्टिकुलर स्वेलिंग मेरी फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट कर सकती है, जी बिल्कुल कर सकती है। इसमें अगर यूटीआई है, यूटीआई की वजह से आपको जो आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसके अंदर इन्फेक्शन आ गई है वो डेफिनेटली आपके स्पर्म्स को डैमेज करने की सलाहियत रखती है। फिर उसके बाद अगर वेरिकोसील है आपकी, तो वेरिकोसील ग्रेड 1 टू ग्रेड 2 तक तो वो शायद उस तरह से उतना सिवियरली इसको नहीं करती, बट स्टिल गाइडलाइन कहती है कि ग्रेड 2 और ग्रेड 3 अगर हैं तो उसको ट्रीट कर लेना ज़रूरी है उन केसेस में जिनमें प्राइमरी इनफर्टिलिटी चल रही है।
तो वेरिकोसील के लिए डेफिनेटली उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अगर नहीं करेंगे तो वो आपकी फर्टिलिटी को डेफिनेटली इफ़ेक्ट करेगी। टेस्टिकुलर टॉर्जन हो जाती है तो उस केस में आपको डेफिनेटली फिर तो इसका ऑपरेशन ऑन द स्पॉट होगा, और अगर आप ऑपरेट नहीं कराते हैं तो आपका टेस्टिस ही डेड हो जाएगा, तो वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, डेफिनेटली फर्टिलिटी को इफेक्ट कर सकता है। अगर कोई कैंसरस टिश्यू है तो भी वो आपके जो टेस्टिस के नॉर्मल टिश्यूज़ हैं वो उनको इतना डिस्ट्रॉय कर चुका हुआ होता है कि उसमें वो सलाहियत नहीं रह जाती कि वो स्पर्म पैदा कर सके। उसके अलावा अगर एक और माइल्ड सी कंडीशन होती है उसको एपिडेडिमल सिस्ट कहते हैं, या फिर हाइड्रोसील जो है एक और टर्म है जिसमें एक बिनाइन सी थैलीस या सिस्ट बन जाता है, जो वहाँ रहे कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके साइज़ की ग्रोथ की वजह से अगर वो बढ़ता चला जा रहा है तो उसके प्रेशर की वजह से सराउंडिंग वाला जो टिश्यू है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, तो किसी हद तक थोड़ा बहुत उसका फैक्टर होता है, लेकिन वो इतना डेंजरस नहीं होता। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो टेस्टिकुलर स्वेलिंग किसी किस्म की भी हो उसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है, ट्रीट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो आपकी फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट कर सकता है। आखिरी सवाल कि हमें किस वक्त डॉक्टर को देखना चाहिए टेस्टिस के मामले में, आपको जब जब जैसे ही कोई अनयूजुअल चीज़ महसूस हो रही हो आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर को देखना चाहिए, ताकि वो इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करे, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसको आपका फ्यूचर में शादी के बाद जो है वो खामियाजा भुगतना पड़े। तो ऐसी चीज़ों को टाइमली देख लीजिए, हमारी यूट्यूब फेसबुक को सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्वेश्चंस हमें भेजिए और अपनी राय से आगाह करें। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं जैसे ही हमें मिलते हैं हम उनको आंसर करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।